उपगच्छन्तु सर्वे छात्रा। आज हम लोग स्टैंडर्ड 7 संस्कृत पाठ्य वंदना पढ़ेंगे और कोई भी चीज शुरू करने के पहले हम लोग वंदना करते हैं ईश्वर को, जो मंगल होता है। तो आज वंदना पाठ में हम ईश्वर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ और आप लोगों को भी उसी लय में पढ़ना है। ओ विश्वानि देव सवितः दूतानि परास्व जग भद्रम तन आसुव। दूसरा, हे शारदे माता, हे शारदे माता, अज्ञान अंधकार तारयतु माता, संस्कृत ज्ञानस्य अधिकार ददातु माता। हे शारदे माता, हे शारदे माता, अज्ञानोऽयं तव बालकः माता, भवत्यैक मम करवद्या प्रसीदतु माता, भवत्यैक मम करवद्या प्रसीदतु माता। हे शारदे माता, हे शारदे माता, अज्ञान अंधकार तारयतु माता। यहाँ क्या हुआ है, ओम शब्द, ओम विश्वानि देव सवितः दूतानि परास्वः। ओम में अ उ और म लगता है। अ का अर्थ होता है ब्रह्मा, उ का अर्थ होता है विष्णु और म का अर्थ होता है महेश। तीनों देवताओं के मेल से ये शब्द बना हुआ है, तीनों का सन्निवेश। इस तरह से संस्कृत में कहा भी गया है कि जन्म देने वाला, भरण पोषण करने वाला और नाश करने वाला तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश, उसी से यह शब्द बना है। ओ या ढाई अक्षर का भी शब्द कहा जाता है, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, तो ढाई अक्षर भी, ओम भी ढाई अक्षर है। तो ओम शब्द के भी कोई जान जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जान जाए, तो वह पंडित हो सकता है। तो कहा है ओम विश्वान देवा सविता दूतानि। यहाँ कह रहे हैं कि ये सब सुखों के दाता परमेश्वर हमारी सभी दुष्ट विचार बुराइयां दूर कर और जल भद्रमता में आस हुआ और जो कल्याणकारी है वह हमें दो। कहने के तार पर कहे कि हमारे अंदर के अवगुणों को हे ईश्वर तुम निकाल दो और उसके जगह पर अच्छाई को दो। कोई भी चीज जब दूर जाता है तो वह स्थान रिक्त हो जाता है और उस रिक्त स्थान को भरने के लिए दूसरा शब्द आता है। तो बुराई जब निकल जाएगा तो अच्छाई अपने आप हो जाएगा। जैसे हवा, गर्म हवा उड़कर, गर्म हवा जब होती है तो उड़कर ऊपर जाता है तो वह जगह खाली हो जाता है और ठंडी हवा उसको भर देता है। तो यहाँ यह श्लोक का तात्पर्य यही हुआ है। और श्लोक बताते हैं, हे सब सुखों के दाता परमेश्वर हमारी संपूर्ण बुराइयों को दूर कर दो और जो कल्याणकारी है वह हमें दे दे। सविता दूतानि, सविता मैंने सभी, दूतानि मैंने दुष्ट विचार बुराई को परास्त हुआ दूर कर। हे भद्रम तन आस्वा, हे भद्रम,
हे कल्याणकारी ईश्वर, तुम हमारे अंदर सभी कल्याणकारी चीज को, अच्छाई को आशुआ मतलब भर दो। दूसरा श्लोक है, हे शारदे माता, शारदे सरस्वती को कहते हैं, तुम लोग सभी लोग जानते हो कि सरस्वती जो है वह विद्या की देवी है, इसलिए माता सरस्वती को पूजन करके ही हम लोग सारे काम को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ कहा गया कि हे शारदे माता, हे शारदा माता, हे सरस्वती माता, हे शारदे माता, तो हे सरस्वती माता, अज्ञान अंधकारा, अज्ञान जोड़ अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार से तारयतु माता, हमको बाहर दो माता, हमको निकाल दो माता। यहां फिर कहा है संस्कृत ज्ञान से अधिकार तदातु माता, संस्कृत के ज्ञान का अधिकार दो माता, जो हम संस्कृत पढ़ने को उसको जानने का हम नहीं जानते हैं, उस चीज को तुम हमको अधिकार दो, हमको बता दो कि संस्कृत कैसे हम पढ़े। हे शारदे माता, हे शारदे माता, हे शारदा माँ, हे सरस्वती माँ, अज्ञानिनो वयम् तव बालकः माता, अज्ञानिनो वयम्, हम लोग अज्ञानी हैं लेकिन तुम्हारे बच्चे हैं। हे माँ, हम अज्ञानी होते हुए भी तुम्हारे बच्चे हैं। तब षष्ठी तत्पुरुष लगा हुआ है, युष्मत् शब्द है, तब मैंने तुम्हारा होता है। तो अज्ञानी वयम् तव, हम लोग अज्ञानी हैं तब हम तुम्हारे बालक बच्चे। भवत भवत्यै नमामः पर्वत, भवत्यै हम लोगों के द्वारा, नमामः पर्वत, कर मतलब अंजलि भी होता है, कर्म में हाथ भी होता है, तो हाथ को जोड़कर हम लोग प्रसन्नता करते, हम लोग तुम्हारा उनको हे सरस्वती माता नमस्कार करते हैं, इसलिए तुम हम लोगों पर प्रसन्न हो जाओ। हे शारदे माता, हे शारदे माता, हे शारदा माँ, हे शारदा माँ, अज्ञान अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार से तार यतु माता, तार दो माता। एक बार हम तुम लोगों को यह अर्थ बताते हैं कि हे शारदा माँ, हे शारदा माँ, अज्ञान रूपी अंधकार से हमें तार दो माँ, संस्कृत के ज्ञान को हमें अधिकार दो माँ। हे शारदा माँ, हम आपके अज्ञानी बच्चे हैं, आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। हे माँ, प्रसन्न हो और हमें अज्ञान से अंधकार से तार, क्योंकि जब तक अंधकार प्रकाश नहीं आएगा तब तक अंधकार मिट नहीं सकता है, नहीं मिटता है, इसलिए माता शारदा से, माता सरस्वती से हम लोग वंदना करते हैं कि हमारी अंदर की अज्ञानता को खत्म कर दो और उसके जगह पर अच्छाई को भर दो। तारेतु का अर्थ होता है तार, मतलब कि अच्छाई अंदर डालना और सही रास्ता पर ले जाना। धन्यवाद। फिर अगले क्लास में अगले पाठ को पढ़ाया जाएगा। अच्छा।